फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक फैक्टर है जो कि मेजर करता है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर यह क्या मेजर करता है इट इज द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ठीक है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी ठीक है जहां पे P क्या है प्रेशर V क्या है सब्सक्रिप्ट में हमने M लिखा है क्या रिप्रेजेंट करता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ठीक है R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर ठीक है और Z क्या है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अब रियल गैसेस को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू वन होता है तो PV जो होता है वो किसके बराबर होता है RT के ठीक है और ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है ओके फिर जब Z ग्रेटर देन वन होता है तो उस केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है हमारा ग्रेटर देन वन मतलब पी वी इज ग्रेटर देन आर टी ठीक है और इस केस में क्या होता है इस केस में पॉजिटिव डेविएशन रियल गैस शो करती है विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस ठीक है तो इस केस में क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस कंडीशन आती है सिमिलरली जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन वन होता है तो पी जो है वो लेस देन आर होता है और हमारे को नेगेटिव डेविएशन ऑप्टेन होता है विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस ठीक है तो यहाँ पे हमसे पूछा है इनमें से कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर मोल तो यहां पे हमने Z is equal to PV upon RT लिखा हुआ है और ये हमारा मैच कर रहा है लास्ट ऑप्शन से तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाकी पी वी अपॉन आर पी वी अपॉन टी आर टी पी वी तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आ जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर